तो दोस्तों आखिर क्यों धीरज सिंह और उनके साथ मनोज डिमरी और रोहित जुगलान ने देश के सबसे नंबर वन YouTube चैनल और स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स यारी को क्यों छोड़ा, हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो आप अगर इनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स यारी YouTube चैनल जो है वो क्रिकेट और बाकी तमाम खबरों को, स्पोर्ट्स रिलेटेड खबरों को दिखाता है और इनके जो मेन ओनर है वो है सुशांत मेहता। और दोस्तों आप जानते हैं कि सुशांत सर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, नेक दिल के हैं और काफ़ी मज़ेदार भी हैं। वो टीम इंडिया के हर जीत को सपोर्ट करते हैं और काफ़ी खुशी मनाते हैं, ये आपने पिछले जो भी इवेंट हुए थे आपने उसमें देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि स्पोर्ट्स यारी जो थे वो स्पोर्ट्स तक से अलग होके बना था, यानी कि आज तक का जो चैनल है स्पोर्ट्स, सुशांत सर उनके साथ मनोज डिमरी और धीरज सिंह निकले थे। तो दोस्तों उनका मेन मोटिव यही था कि वो एक अपना खुद का चैनल बनाए और उस पे जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ कवर करे और काफ़ी प्यार भी मिला लोगों की तरफ से। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या हुआ कि इनके जो मेन तीन एंकर थे उन्होंने एक ही दिन में रिज़ाइन कर दिया और वहाँ से चले गए। हालांकि दोस्तों सब अपनी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन जब सुशांत सर ने एक टाइम पे इन सब को एक साथ लेके आए और फिर इस प्लेटफार्म को बनाया और इतनी दूर तक लेके आए, यानी 5 लाख सब्सक्राइबर तक इनका सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो दोस्तों आखिर क्यों उनको बीच में छोड़ना पड़ा। अभी एक हाल ही इंटरव्यू में भी सुशांत सर ने कहा था कि उन्होंने उन तीनों को नहीं निकाला, बस उन तीनों ने ही रिज़ाइन दिया है कि वो अपनी ग्रो चाहते हैं और यहाँ पर ग्रो नहीं हो रहा। दोस्तों ये जो है न्यूज बहुत ही हर्टफुल है, क्योंकि इन ये जो तीन एंकर थे ये कोरोना काल में जब कहीं पर भी नौकरी की गुंजाइश नहीं थी वहाँ पे सुशांत सर ने इन तीनों को मौका दिया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि जब चैनल चला और चैनल पे अच्छा वर्क हो रहा था तो बीच में ही इन तीनों ने छोड़ दिया। और आप जानते हैं अभी IPL भी आने वाला है और IPL से ठीक एन वक्त पे इन तीनों ने इस चैनल को छोड़ दिया है, जो सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स तक से अलग होके ही ये चैनल बना था ताकि उन यारों को यानी वापस जोड़ सके, लेकिन ये यारी वापस टूट गई हैं और अपने अपने रास्ते अपने नए मुकाम पे चले गए हैं। दोस्तों आपको इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि इन तीनों एंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स यारी की जो ओनर है सुशांत सर वो ही दोषी है या गलत है, उन्होंने निकाला है, तो अपनी राय जरूर व्यक्त करें। हमें तो यही लगता है कि इन तीनों को यहाँ से नहीं निकलना चाहिए था, पूरा IPL भी कवर करना चाहिए था और इसके बाद में उन्हें निकल जाना चाहिए था अगर उनकी इच्छा हो। तो आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।